Hello everyone, this is Ashishan. In this video, we will study about the basic concept of dividend. Student, basically this is the last unit of company law and this is the first chapter of that unit, that is declaration of dividend. Now first, let's go at the point, what kind of points we are going to study. What are the learning points? At the end of this chapter, you will be able to know what are the mechanism of declaration. That means we need to know what are the legal procedures for the declaration of dividend, then how to pay dividend, and then what are all the legal proceedings. Then we also get to know about the formalities which need to be fulfilled before declaring dividend in the absence of profit. That means if the company has not the sufficient profit, then what are the legal formalities that need to be fulfilled by the company for the declaration of dividend. Then we also know when the dividend will be transferred to investor education and protection fund. Basically this is a special kind of fund that every company need to transfer the undeclared dividend to this fund. Then we also analyze all the consequences for the failure to distribute dividend. That means when the company fail to distribute the dividend, then what are the consequences are there as per company law. Now let's take out some overview. What is the chapter overview? See, the name of the chapter is dividend so देखिए मैं यहाँ पर जो आपको एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज बेसिकली आप कह सकते हो उसको द टाइमलाइन ऑफ डिविडेंड. दैट मीन्स वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप वेरी ब्रीफली. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली मीनिंग ऑफ डिविडेंड. ये आपका आता है अंडर सेक्शन 2 क्लोज 5. ठीक है, दैट मीन्स हम इसमें हम सब वही पढ़ेंगे कि डिविडेंड का एग्जिट मीनिंग क्या है, उसके सारे बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, और देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें. हम इसी में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड के देखिए दो टाइप के होते हैं आपके. फर्स्ट वन इज इंटरिम डिविडेंड, एंड सेकेंड वन इज फाइनल डिविडेंड. देन अब हमें इस पॉइंट पर पता लगा कि डिविडेंड क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके वेरियस टाइप्स ऑफ डिविडेंड. ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. ये आपका सेक्शन आता है 123. ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या क्या पढ़ेंगे. हम फर्स्ट वन इज देखिए, जब भी कंपनी कोई भी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, दैट मीन्स द कंपनी शुड मस्ट हैव सम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, सब सोर्स कहाँ से आएगा, वो सब देखेंगे. तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखिए सोर्स
and transfer to reserve. ठीक है, देन वॉट आर दी प्रोसीजर टू डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड. सेकेंड पॉइंट इज डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड. देन थर्ड पॉइंट इज प्रोसीजर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. देन लास्ट पॉइंट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिविडेंड. दैट मीन्स कि कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, क्या हर कंपनी कर सकती है? नहीं, कुछ कुछ कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती है. ठीक है, तो दैट मीन देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, सो वो भी हम पढ़ेंगे. वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? अंडर दिस सेक्शन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने जो आज डिविडेंड डिक्लेयर करा क्या सारा का सारा ही उन्होंने पे कर दिया. ठीक है, कुछ तो अनपेड भी रह जाएगा. सो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? अनपेड या फिर अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिविडेंड. मींस या तो कंपनी ने पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं दिया, या तो फिर शेयर होल्डर जो है वो क्लेम नहीं कर पाए. ठीक है, वो किस में आएगा? आपका सेक्शन 124 में. ओके, देन ये एक स्पेशल टाइप का फंड है आपका IEPF, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या पढ़ना है. इसमें देखना है कि फंड कहाँ से आया, क्यों बना. ठीक है, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड. देन वी विल स्टडी अबाउट दी हाउ टू यूटिलाइज द अमाउंट फ्रॉम दिस फंड. ठीक है, देन वी हैव द लास्ट पॉइंट दैट इज पेमेंट एंड फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 days. ये आपका आता है अंडर सेक्शन 127. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस, एग्जम्पशंस. दैट मीन्स अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसके, लेकिन उसके बाद अगर पे नहीं कर पाई, ठीक है, विद इन 30 days, तो फिर उनकी क्या क्या पेनल्टीज होगी वो सब पढ़ेंगे, एंड ऑल दी एग्जम्पशंस ऑल्सो. ठीक है, तो ये चार्ट है वो बहुत अच्छे से देखना. ठीक है, पहले हमें पढ़ना है मीनिंग एंड व्हाट आर दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डिविडेंड. दैट मीन्स व्हाट इज डिविडेंड, हाउ टू डिक्लेयर डिविडेंड, सॉरी व्हाई टू डिक्लेयर, व्हाई टू पे डिविडेंड. ठीक है, क्यों जरूर है? देन वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ डिविडेंड. देन सेकेंड पॉइंट इज डिक्लेरेशन डिविडेंड. दैट मीन्स कंपनी जो जब कभी कोई भी कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है, सो कंपनी वो जो पैसा जो लेके आएगी वो कहाँ से लेके आएगी, हमें वो देखना है. देन हाउ टू डिपॉजिट दैट डिविडेंड, देन हाउ टू मेक पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स, एंड देन वट आर द प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, मीन्स विच काइंड ऑफ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड. देन वी विल स्टडी अबाउट दी ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अनपेड एंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड. ठीक है, देन देर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंड दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. तो वो फंड कैसे स्टैब्लिश हुआ, एंड जो उसमें जो मनी है या जो भी जितना फंड है पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है. देन इनकेस द कंपनी इज डिफॉल्ट और कैन से कंपनी मेक टू फेल पेमेंट टू द शेयर होल्डर द डिविडेंड अमाउंट, देन वट आर द लीगल प्रोसीडिंग्स, एंड और यू कैन से वट आर देयर पेनल्टीज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड.
तो देखिए हमें पहले क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई एक्स कंपनी लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। कंपनी जब अपना बिजनेस या फिर कंपनी जो कंपनी ने जो कंपनी जो सेटअप हुआ है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कंपनी स्टार्ट करना चाह रही है, सपोज़ कुछ अमाउंट से स्टार्ट करना चाह रही है, से सपोज़ 100 करोड़, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द कंपनी विल गेट दिस अमाउंट, कहाँ से आएगा वो? अपने आप तो आएगा नहीं, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर कौन होंगे इन्वेस्टर जो इस कंपनी में पैसा लाएंगे, बिजनेस को देखेंगे कि बिजनेस आगे जाके कैसा आने वाला, ठीक है। सो कंपनी के पास देखिए दो तरीके से पैसा आ सकता है। फर्स्ट वन इज बाय वे ऑफ डिबेंचर्स एंड सेकेंड वन इज बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड अब जब कोई डिवेंचर या फिर इक्विटी शेल्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, दैट मीन्स दे वांट सम रिटर्न, ठीक है। सो इन केस ऑफ डिवेंचर्स उनको क्या मिलना चाहिए, उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ठीक है। इनको क्या मिलेगा? डिविडेंड, ठीक है। देखिए जो कंपनी जो 100 करोड़ रुपीज़ जो भी कंपनी लेके आ रही है विद द हेल्प ऑफ दीज, तो इनको क्या बोलते हैं हम, बेसिकली सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, देखिए डिवेंचर होल्डर को देखिए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेट मीन्स द डिवेंचर विल गेट स्टेड अवे अ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वेदर कंपनी इज अर्निंग और नॉट, ठीक है। मीन्स कंपनी चाहे कितना भी कमा रही है, उनका प्रॉफिट हो सकता है एक ही साल में उनका 50% हो रहा हो, सेकेंड ईयर में हो सकता है उनका 100% प्रॉफिट अंदर रहा हो, ठीक है। बट इनको जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट दे विल गेट द स्टेट अवे द फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ कम टू द इक्विटी शेयर्स। नाउ दैट एक इक्विटी शेयर होल्डर तो बेसिकली कौन होते हैं, बेसिकली दे एक्चुअली टेक द ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क, ठीक है। लेकिन वो इस कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे? बिकॉज दे हैव सीन लाइक बिजनेस, दिस कंपनी हैव अ वेल रिपोर्टेड बिजनेस, उनका बिजनेस ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस जो है बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो हैं वो परचेज कर लेते हैं एंड इन रिटर्न दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब ये डिविडेंड होता क्या है वैसे? देखिए कंपनी ने मान लीजिए कोई भी, सपोज मान लीजिए इन दी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कंपनी ने सपोज कितना अर्न किया, सपोज 50 करोड़, ये कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी इसमें से डिविडेंड डिक्लेयर करती है। मान लीजिए कंपनी ने डिक्लेयर करा सपोज 10% डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। दैट मीन्स कितना होगा डिविडेंड अमाउंट? 5 करोड़, ठीक है। वो किसको मिलेगा? वो इनको मिलेगा, ठीक है, शेयर होल्डर को। शेयर अकॉर्डिंग के शेयर होल्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मुझे वो डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डिवेंचर होल्डर को तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंड इक्विटी शेयर को मिलेगा क्या? मिलेगा डिविडेंड मिलेगा, जो कि किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम बेसिकली, डिविडेंड क्या हुआ बेसिकली? अपोर्शमेंट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड मीन्स अपोर्शमेंट ऑफ प्रॉफिट टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स, एम आई राइट? सो देखिए अब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना जरूरी है? जी हाँ जरूरी है। क्यों? जरा ध्यान से देखिए। देखिए जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ध्यान से कोई कंपनी जो रजिस्टर होती है और जब वेरियस सोर्स ऑफ फंड से जब पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है,
तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। सर मतलब, सर अभी तक तो हम ये पढ़ता आ रहा है कि कोई भी कंपनी अगर सेटअप होती है, रजिस्टर्ड होती है, कोई बिजनेस होता है तो वो प्रॉफिट के लिए होता है। यहाँ पर आप बता रहे हो कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। सर ये मतलब समझ नहीं आया। देखिए यहाँ पर जो है कंपनी का प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा कैसे? देखिए अगर कंपनी ने डिक्लेयर ये डिविडेंड जो है डिक्लेयर नहीं, सॉरी देखिए, मान लीजिए अगर कंपनी ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तो क्या ये जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं बेसिकली? शेयर होल्डर्स द ओनर्स ऑफ द कंपनी। लास्ट आपने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था वो आर द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स ने बेसिकली जो है मैक्सिमम रेशियो में इन्होंने पैसा लगा रखा है। अब इन रिटर्न उनकी रिटर्न जो मीन की इनकी अर्निंग कहाँ से थी बाई वे ऑफ डिविडेंड। अब इनको यही नहीं मिला इन रेगुलर टर्म्स में, तो क्या वो इस कंपनी के साथ स्टिक रहेंगे? जी नहीं, दे विल स्विच टू अनदर कंपनी। ठीक है, एंड वंस दे स्विच टू अनदर कंपनी दैट मीन्स ऑल द शेयर होल्डर विल ऑल्सो रिडीम देयर अमाउंट फ्रॉम दिस कंपनी। उससे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? द मार्केट प्राइस विल फॉल डाउन, शेयर गिर जाएगा, शेयर महंगा गिर जाएगा। उससे क्या होगा? कंपनी का ऑल ओवर जो है वो बर्डन बढ़ जाएगा। सर बर्डन कैसे बढ़ जाएगा? क्यों? यहाँ पर ये कौन है? देखिए ये तो सारा पैसा निकाल के निकल लेंगे, लेकिन वॉट अबाउट दीज डिबेंचर होल्डर्स? इनको तो इंटरेस्ट देने देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी लॉस भी जा रही हो। ठीक है, तो इनको तो देना पड़ेगा, तो ये मेन कंपनी के लिए बाद में ये बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट क्या होता है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। डेट मीन्स अगर शेयर होल्डर को खुश कर दिया कंपनी ने, दैट मीन्स हमारा जो है उनका जो मार्केट प्राइस शेयर है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, सो ये जो है मेन कंसेप्ट आपका डिविडेंड का, कि डिविडेंड क्या होता है बेसिकली? अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट, एंड वाई द कंपनी नीड टू डिक्लेयर द डिविडेंड टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा लिख के करते हैं कि मतलब क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, यही पढ़ा था अभी हमने। देन कौन डिविडेंड देता है? कंपनी मतलब क्या है? कंपनी के लिए था, दैट मीन्स LLP नहीं दे सकती, कंपनी दे सकती है। ठीक है, कौन सी एंटिटी दे सकती है? कोई इंडिविजुअल दे सकता ना, कोई HO दे सकता ना, कोई LLP दे सकता, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का बसाया था इंडिविजुअल देने का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज किसको देना है? अभी तो ऊपर पड़ा शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अच्छा देना कब होता है? ईयरली दे सकते हैं और वेन एवर डिक्लेयर। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम जो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि डिक्लेयर कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वाई डिक्लेयर डिविडेंड।
क्यों जरूरत होती है? देखिए, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी, तो आप ये बंद बोल देना सीधा कि सर कंपनी जो है सेटअप होती है बेसिकली टू अर्न प्रॉफिट। जैसे आपने ये वर्ड मुंह से निकाला आप तभी तभी रिजेक्ट हो जाए। या कैसे तो अगर आपने ये यही सिम लेकर अपने एग्जाम में लगी किसी किसी भी सब्जेक्ट में तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओरिगन सेल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ओके, नाउ डिक्लेयर नहीं किया तो क्या होगा? इफ नो डिविडेंड क्या होगा? देन पीपल विल सेल शेयर्स एंड मार्केट प्राइस विल गो डाउन। यही तो मेन इम्पैक्ट होगा, तभी तो जरूरी है डिविडेंड डिक्लेयर करने का। ठीक है ना, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सम बेसिक पॉइंट। सम बेसिक्स इन द सेंस हु विल डिक्लेयर डिविडेंड, कौन करेगा? ऊपर हमने पढ़ा था कि डिविडेंड कौन देता है? बाय कंपनी। लेकिन डिक्लेयर कौन करता है? पेमेंट तो चलो कंपनी कर देगी लेकिन डिक्लेयर कौन करेगा? कंपनी किससे चलती है? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट कौन होते हैं कंपनी के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कौन डिक्लेयर करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बट अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी? पेमेंट किसको हो रही है? शेयर होल्डर्स को। अप्रूवल भी किसको किससे लेनी पड़ेगी? बाय शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता है कि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। हर इंडिविजुअल की अभी किसके हर इन्वेस्टर की या हर शेयर होल्डर की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। मान लीजिए आप सब जो है एक कंपनी में शेयर होल्डर हो, मैं भी हूँ। मान लीजिए मेरी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न सपोज 12% है। मान लीजिए आप क्लासरूम में क्लास में आ गए, किसी की 18% हो सकती है, किसी की 9% हो सकता है, किसी का 13% हो सकता है, किसी का 15% है। सो दैट मीन्स दी लिखन से कि सबकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो मैच नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं बेसिकली कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सबका एक मार्केट के हिसाब से सर्वे के हिसाब से देखती है, ये कंपनी का जो हिस्ट्री के हिसाब से देखती है कि आने वाले टाइम में कंपनी कितना अर्न करने वाली है। ठीक है, उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं। देन शेयर होल्डर्स अपनी जो है एक मोहर लगाते हैं बाय, मतलब अपना एक वोटिंग पावर यूज़ करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स। उसके थ्रू ये जो है रिजोल्यूशन पास करते हैं, यानी कि अप्रूवल किसकी होगी यहाँ पर? शेयर होल्डर्स की। ठीक है, अप्रूवल कहाँ पे देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को? वेयर इन जनरल मीटिंग। ओके, नाउ जनरल मीटिंग में तो कैसे है? बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब सर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? देखिए, आपके बेसिकली दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज़ स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीन्स जहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके वोटर्स हैं वो आपको बेसिकली रेजोल्यूशन पास करने वाले हाँ वाले ज़्यादा होंगे, ना वाले कम होंगे। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दैट मीन्स इन दैट रेजोल्यूशन बेसिकली द नॉर्मल काइंड ऑफ रेजोल्यूशन विल बी प्रेजेंटेड। ओके, बट इन स्पेशल में क्या होता है, लाइक कोई स्पेसिफिक है, जैसे कोई एजेंडा है उसको वो टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, तो
तो उसमें जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, या फिर जो है कुछ लाइक इमरजेंसी होगी तो उसमें जो है कंपनी को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, मतलब एट दैट प्रेजेंट टाइम, तो उसमें कंपनी अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करे तो किसके थ्रू करती है, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वन मीन्स तो टाइम टू टाइम जो रेगुलर जो मीटिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। दैट मीन्स मैक्सिमम चांस टू पास एनी रेजोल्यूशन, ओके। नाउ वट आर दी सोर्सेस एंड ट्रांसफर्स, क्या मतलब है, मीन्स कहाँ से आएगा प्रॉफिट, से कौन सा प्रॉफिट, से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अच्छा, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा कैसे, आफ्टर ऑल अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे आप देखो फाइनल अकाउंट जो पी एंड एल में आते हो उसमें जो प्रॉफिट होता है कैसे करते हो, आप सारे इनकम में से सारी जितनी भी बिजनेस जी एक्सपेंसेस उसको डिडक्ट करते हो, डिवेंचर भी माइनस करते हो, तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। फिर उसमें से आप टैक्स काटते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी जो है मतलब कौन से अमाउंट पे कंपनी जो डिक्लेयर करेगी, यानी कि किस रेशियो में करेगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 100 शेयर्स हैं एट रुपीज 10 ईच, ठीक है, तो उसमें कंपनी क्या करती है, मान लीजिए कंपनी ने अभी तक जो है सिर्फ 4 पर रुपीज जो है अपना पेडअप है, ये क्या है, पेडअप, तो कंपनी के पास जितना पैसा आया हुआ उसी में से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, इनवर्ट रेशो, दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं कहूँ इनवर्ट रेशो, किस रेशो में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ऑफ पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। दैट मीन्स अभी 6 पर रुपीज़ कैसा हुआ, तो कंपनी को पैसा आया नहीं है, तो जो पैसा अब तक आया नहीं है उसमें से कंपनी कैसे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती, कर नहीं सकती, ठीक है। सो बेसिक्स का बेसिक देखिए लॉजिक यहाँ पर, कहाँ से करिए कंपनी पेड अप। सो दिस इज दी ऑल बेसिक कंसेप्ट अबाउट दी डिविडेंड। आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू।